ఢిల్లీలోని బురారి ఏరియాలో ఘోరం జరిగింది. ఒకే ఇంట్లో 11 మృతదేహాలు బయటపడ్డాయి. వీరిలో 7 మహిళలు, 4 పురుషులున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరిలో 3 టీనేజర్లున్నారు. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు స్పాట్కు చేరుకున్నారు. 11 మందిలో 10 మంది ఉరి వేసుకున్న స్థితిలో ఉన్నారని పోలీసులు చెప్పారు. ఒక డెడ్ బాడీ నేలపై ఉందన్నారు. ఎలా చనిపోయారు అనే కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీళ్లు స్థానికంగా కిరాణా షాప్ నడుపుతూ ఉండేవారని స్థానికులు చెప్పారు. Based on preliminary investigation, local inquiries, जो prima facie कुछ patterns हमने नोट किए हैं, उसके basis पे कुछ चीजें हम firm up कर रहे हैं. बाकी अभी कोई चीज हम rule out नहीं कर रहे. We are investigating from all possible angles. अभी देखिए ऐसा है, किसी चीज को rule out करना possible नहीं है. But there are certain patterns. There are 7 महिला, 7 फीमेल, 4 मेल्स, 2 और एक 3. 3 जो है इसमें टीनेजर्स हैं. और अभी जो हमें जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो अभी तक हमने जो हमें क्लूज मिले हैं, जो पैटर्न्स स्टैंडर्ड पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, उस तरह उसमें ऐसा लगता है कि कुछ एक यूनिफॉर्मिटी से डेवलप हो रही है. ठीक है, तो अभी बट देन वी आर नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग. वी आर लुकिंग इनटू फ्रॉम ऑल पॉसिबिलिटी. अभी तक यही पता चला है कि सुबह जैसे इनके यहाँ दूध वाला आता है, दुकान बंद देख के कोई, ये सुबह 6 दुकान खोल देते हैं. और सुबह दुकान ना खुलने की वजह से जो इनके पास दूध की सप्लाई आती है, वो बंदा यहाँ से वापस चला गया. और अड़ोसी पड़ोसी क्योंकि सामान सुबह सुबह इनके पास लेने आते हैं, तो वो सामान ना मिलने, मतलब दुकान ना खुलने की वजह से, क्योंकि रूटीन इनकी सुबह 6 दुकान खोलने की है, और पड़ोसियों को लगा कि भाई ये चीज़ जो है कोई ऐसी है कि भाई जो समझ में नहीं आ रही. फिर पड़ोसियों ने जाके देखा तो वो दरवाजे जो हैं वो बंद मिले, लेकिन जो मेन दरवाजा वो फिर भी खुला हुआ था. अच्छा। वो अंदर की तरफ धकेला गया था, वो खुला मिला है. और जब वो ऊपर गए हैं तो वो सीढ़ियों से वापस आ गए. इनके सामने पड़ोसी हैं, सीढ़ियों से वापस आ गए हैं, तो ऊपर उनको जो जो बॉडीज लटकी हुई नजर आई. आज यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना घटी है कि 11 लोग एक ही परिवार के, उनकी मौत हो गई है. और मैंने अभी पुलिस वालों से भी बात की और वहाँ इनके पड़ोसियों से भी बात की. पड़ोसियों का कहना है कि बहुत ही शरीफ परिवार था. पड़ोसियों का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, अपने उसमें रहते थे. और ये समझ नहीं आ रहा कि ये हादसा किस तरह से हुआ होगा. पुलिस जांच कर रही है और अभी भी कुछ भी कह पाना मुश्किल है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती. तो पुलिस की जांच की अपने को इंतज़ार करनी पड़ेगी.